चार बस भाई, बहुत हो रहा हमसे, रहने ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी बज रहे सुबह के 10:30 और उठ गया था मैं आज 8:30 उठ गया था वैसे तो, पर व्लॉग लेट स्टार्ट हो रहा है तो बस अब करते हैं नहाना धोने का काम, बस वही चलता है, उसके बाद अब बस व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलो करते स्टार्ट। तो अभी नहा धो के हो चुके रेडी और 10:45 हो गए टाइम। अंकित तो जानते ही हो, इसका जानते ही भाई को हमेशा से ही। तो अभी हम जा रहे हैं एक खास जगह पे, सीधा वही मिलते हैं आपसे। तो चलो, तो आ गए हम लोकेशन पे, यहाँ बट रही है ठंडाई, मतलब खूबसूरत के हमारे से खबर मिल जाती है हमको, तो ठंडाई पियेंगे यहाँ पे, देख सकते हैं पीछे तो मस्त हो रहा है, चिल्ड गर्मी में ठंडाई और यहाँ चल रहा काम। तो फाइनली यही था हमारा इम्पोर्टेंट काम, पठानी भाई का स्पेशल बुलाया मैंने इसके लिए, खबर मिल गई थी हमको थोड़ी कहीं से, तो हमने कहा पी लेते हैं यार, जब कोई चीज बट रही है तो हमारे लिए बट रही है ना भाई, पब्लिक के लिए तो पीना जरूरी है, तो पी लिया। अभी हम एम्बुलेंस जा रही है पीछे, होप जो भी है यहाँ जिंदा रहे। फाइनली आ गए घर, उतार देते हैं मास्क और आज हमारा नाश्ता बन रहा है लापसी। लापसी यहाँ आप क्या पता नहीं क्या बोलते होंगे, बाकी आटे होता है जो उसको दूध में मिला के बनाते हैं, जो भी चीनी डाल के उसे कहते हैं लापसी। हमारे यहाँ यहाँ भी कहते हैं कुछ, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, पर मैं खाते तो हैं यहाँ पे भी लोग बहुत। सो ये है लापसी, देख सकते हैं आप, इसमें दूध आटा प्लस चीनी तीन आइटम होते हैं, बाकी मिक्स कर दो इसको बन जाती है। ये भी होता है बुनते टाइम। सो ये टाइम हो रहा है दिन के 1:30 और यहाँ पे लग रखा है, अभी तो पबजी खेल रहा है, बाकी इसने बैटल ग्राउंड इंस्टॉल कर लिया जुगाड़ करके, क्योंकि अब मतलब इसके वैसे तो ऑन रहा था, रजिस्ट्रेशन हो रखा था, मतलब उससे आगे जो इंस्टॉल का कईयों में तो आगे कईयों में नहीं आया था, इसके में नहीं आ रहा था, बाकी इसने कह रखे यूट्यूब पर डाले गए वीडियो उससे रिलेटेड एक बना के कि कैसे आप कर सकते हैं जुगाड़ करके बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया अपने मतलब मोबाइल में। देखो एक अलग सी दुनिया दिखती है इसमें, पानी के अंदर बिल्कुल साफ पानी, नीचे मिट्टी बैठी हुई और ये हमारा पुदीना सूख चुका है, पता नहीं ढंग से लगा ही नहीं है। बाकी ये तुलसी माता का पौधा क्या बढ़िया लग रहा है ना। आज खाने का काम चल रहा है नीचे अपना, और आज बटर अमूल बटर में दाल, मसूर की दाल प्लस कल वाली कड़ी प्लस चावल, ये चल रहा हमारा खाना दिन का। टाइम हो रहा है दिन के 3 और मैं अखबार पढ़ रहा था अभी, तो एक खबर आई थी, मेरे को पता ही नहीं लगा उस बारे में, वरना मैं जरूर कोशिश करता पूरी जाने की। सो हमारे पूर्व क्रिकेटर कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी वो आ रखे थे झज्जर में, तो बादली आ रखे थे वो, मतलब बादली नहीं सुरेती गांव आ रखे थे, कुलदीप पथ से जो हमारे बादली विधायक, उनकी तबीयत खराब चल रही थी 1-2 महीने से, कोरोना और ब्लैक फंगस दोनों हो गया था ना उनको, तो उस चक्कर में तो उनका हालचाल जानने आए थे, बाकी हमको पता ही नहीं लगा। और उनके साथ जीवा भी आ रखी थी ये देखिए, तो मतलब पता होता तो जाता मैं जरूर, थोड़ा बहुत आपको भी दिखाता, पर पता ही नहीं चली चीजें कब, एकदम आज अखबार में पढ़ा। ऐसी खबरें पता नहीं क्यों अपडेट नहीं मिल पाती मेरे को, अगर मिलती है मतलब पता होता ना 1-2 दिन पहले कि भाई आज आना है, तो मैं पक्का मिलता आपको, वहीं मिलता हूँ सुरेती गांव, और व्लॉग शूट होता दिखाता आपको थोड़ा बहुत ही सही, पर पूरी कोशिश करता दिखाने की। पर चलो कोई बात नहीं, नसीब में नहीं था, अगली बार कभी भी कोई अपडेट मिलेगी पहले तो जरूर हम मिलेंगे आपको वहीं आगे। एक चीज आपने नोटिस करी हो तो धोनी भाई ने सिर्फ 4 जनों को फॉलो किया है, एक साक्षी रावत जो उनकी वाइफ है, एक जीवा धोनी जो कि उनकी लड़की है, एक अमिताभ बच्चन जी, और चौथा है ईजा फार्म जो उनने अपना नया फार्म खोला है और उसका नाम रखा उन्हें ईजा फार्म। ईजा मतलब आपको बताया था मैंने, माँ होता है, मतलब माँ का जो खेत होता है, मतलब मिट्टी हमारी माँ है करके, तो उनने पहाड़ी स्टाइल में नाम रखा उसका ईजा फार्म। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो उनकी इंस्टाग्राम आईडी पे जाना और उनकी फॉलोइंग चेक करना, सिर्फ 4 ही लोगों को कर रखा है, चौथा उनका फार्म है जो ईजा फार्म। यहाँ चल रहा बंदरों और कुत्तों का महासंग्राम, ये देखिए कुछ इधर है कुछ इधर है, हाँ भाई होगी शांति अब चल बैठ जा चुपचाप जाके चल। यहाँ गोटी आ गया, गोटी को देख के तो वैसे ही बंदरों की ऐसी तैसी हो जाती है, ये देखो गोटी चप्पल की उतार ली, खौफ है भाई साहब, खौफ खौफ, बड़े पहलवान बंदर है सारे, देखिए एक भी नहीं है पतला सुकड़ा सा, सारे भारे भारे। मौसम इज ऑसम, बहुत ही सही मौसम हो गया, 6:30 हो रहे हैं अभी, हवा चल रही है बढ़िया खतरनाक वाली, फुहार चल रही है बढ़िया, लाइट चली गई है और कूलर हमारा बिना बिजली घूम रहा है, सोच सकते हैं आप हवा कितनी तेज है ना, दिख रही होंगी पंखड़ियाँ, तो मौसम सही हो रखा है, अंदर बैठते हैं आराम से। अब वीडियो एडिट कर दिया मैंने, अपलोडिंग पे लगा रहा हूँ,
सो यार देख सकते हैं आप पेट कम करने का स्ट्रगल कर कर कर, कोई दिक्कत नहीं है सर। कितने 100? हाँ सर, तो कुछ नहीं हुआ अभी। सो अभी टाइम हो रहा है रात के 8 और चिराग है हमारे साथ में, हमारे गली का स्टंटमैन। तो इसके स्टंट दिखाएंगे आपको 2-4, वो भी पत्थर वाले एरिया में। आप बाकी आप ट्राई मत करना, पहले रेत वाले एरिया में सीखा इसने भी, तभी कर रहे। तो चलिए दिखाता हूँ कैसे कैसे स्टंट करता है। पहला स्टंट भाई करेगा, कौन सा कर रहा है चल करके दिखा दे। ये देख सकते हैं परफेक्ट वाला ये होता है, बिल्कुल कईयों के पैर आगे पीछे हो जाते हैं। सो सेकंड स्टंट करेगा चिराग अब हैंड स्टैंड, तो देखिए कितनी देर कर सकता है। ये शाबाश 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 शाबाश। दो तीन स्टंट और है, वेट करिए दिखाता हूँ आपको मैं। बाकी दर्शक भी खड़े हैं देखने के लिए, पंकज हो गया और मट्टू हो गया हमारा एक पड़ोसी। तो चलिए अब तीसरा देखते कौन सा करता है। फ्रंट फ्लिप भी आती है चिराग को, पर हैंड वाली जो हाथ रख के, तो देखते कैसी करता है। सो अब चिराग मारेगा फ्रंट फ्लिक, देखते हैं कैसी मारता है पत्थर में। बाकी बच के करियो रे, सही से करियो। 1, 2, 3, 4 बस भाई, बहुत है, ज्यादा नहीं बस सही है, बहुत बढ़िया। तो ये तो दो हाथों से था, अब एक हाथ से भी करेगा फ्लिक, देखते हैं कैसे करता है। चल भाई शाबाश है भैया। लास्ट स्टंट है जो वो है दीवार पे, जो पूरा मतलब बैलेंस बना के डिप्स मारेगा चिराग, तो देखते हैं अब कैसे करता है। चल भाई बैलेंस बना लिया, 1, 2, 3 दिखने में आसान लग रही होगी आपको, पर दम बहुत लगता है इसमें, मैंने कर रखी है ट्राई पहले भी। 4, 5 बहुत है भाई, आ जा शाबाश। बस ज़्यादा नहीं, पेट दर्द भी होता है भाई। फाइनली आपको मैंने दिखाया स्टंट, पर आप फॉलो मत करना ऐसे खुले में, बाकी रेत में कर सकते हो आप ट्राई, ताकि धीरे धीरे सीख के फिर इस पर करना। मैं खुद नहीं करता, पता हमको लग जाएगी, एक आधी बार लगी भी हुई है इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो जो भी है घर पर ट्राई मत करना इनको ऐसे खुले में, रेत वाले एरियो में या घास वाले एरियो में सही है चीज़ें। स्टंट मैन हमारे पड़ोस का, बाकी प्रैक्टिस करो आप भी कर सकते हो, फिटनेस के लिए सही है, थोड़ा बहुत करते रहो कुछ ना कुछ, हाथ पैर चलाते रहो, अरे स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, बीमारियों से बचते रहो। सो 2-3 दिन हो गए, एक गाना और सुना देता हूँ आपको, बाकी ये ब्लॉग छोटा भी रहेगा इससे, और गाने का भी इंजॉय करो आप। तो चलिए करते हैं शुरू। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे, गर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। हो खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। हो दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, मेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है, अंजाम है तो मेरा हो ना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। सो गाना सुना होगा आपने, बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। बाकी ऐसे रैंडम गाने गाते रहता हूँ मैं कभी भी जब मन कर जाए, तो आज मन कर रहा था मैंने कहीं गा दूँ एक गाना। तो आज का दिन ऐसे पूरा व्यस्त रहा, आ गए हूँ मैं नीचे खाना खा के, तो बस यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, चलो।